कि शराबबंदी को एक चुनावी हथियार बनाकर नीतीश कुमार दो बार जीत का स्वाद चख चुके हैं और इसीलिए बिहार की राजनीति में शराबबंदी के मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच घमासान भी होता रहा है। शराबबंदी के इसी हथियार को धार देने के लिए अब नीतीश कुमार लाए हैं लखपति योजना। तो आखिर क्या है ये योजना और क्या पड़ सकता है इसका बिहार की राजनीति पर प्रभाव, एक रिपोर्ट देखिए। बाहर रहेगा गरीब गुरबा तबका, उनको सरकार देगी 1 लाख रुपया, दूसरा कोई काम करना शुरू करेगा। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर लखटकिया स्कीम का ऐलान किया है। इस योजना के तहत बिहार सरकार नया रोजगार शुरू करने के लिए उन लोगों को 1 लाख रुपया देगी जो शराब बेचने का काम छोड़ देंगे। इस योजना का फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जो ताड़ी बेचने का काम करते हैं। ऐसे सब लोगों को आप जोड़ लीजिए जो गड़बड़ी करता है, उसको पकड़ करके जेल में भेजिए और जो ऐसे लोग जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को प्रेरित करिए, कहिए कि भाई हम आपको मदद कर रहे हैं, किसी भी परिवार को 1 लाख रुपया तक का मदद करेंगे, आप कोई दूसरा काम शुरू करिए। ऐसा माना जाता है कि शराबबंदी की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को चुनावों में महिला वोटरों का समर्थन मिलता रहा है और यही वजह है कि नीतीश का इस मुद्दे पर फोकस भी रहा है। लेकिन शराबबंदी के बावजूद राज्य में जहरीली शराब से मौत और अवैध शराब बिक्री के मामले सामने आते रहे हैं, जिसे लेकर नीतीश सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर रही है। शराबबंदी ठीक तरह से लागू नहीं करा पाने की वजह से पटना हाई कोर्ट भी बिहार सरकार को फटकार लगा चुका है और इसलिए अब शराब की तस्करी, भंडारण और बिक्री करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है। असली जो धंधा करता है भीतर में, असली उसी को खोज करके पकड़िए और बाकी तो अपने बाहर नहीं निकलता है, गरीब गुरबा तबके के लोगों को अपना काम में लगा देता है, कुछ पैसा देता है। शराब वाले धंधा के साथ जुड़ेगा नहीं, बाहर रहेगा गरीब गुरबा तबका, उनको सरकार देगी 1 लाख रुपया, दूसरा कोई काम करना शुरू करेगा। साल 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू होने से पहले जो लोग शराब के कारोबार से जुड़े थे और शराबबंदी के बाद बेरोजगार हो गए थे, उन्हें दूसरा रोजगार करने के लिए बिहार सरकार 60,000 रुपए की मदद करती थी। इस योजना के तहत अभी तक 40,000 से अधिक परिवारों को लाभ मिला है और इसी रकम को बढ़ाकर अब बिहार सरकार ने 1 लाख रुपए कर दिया है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।